inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradle of profanities. सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ रियलमी का एक कमाल का थीम जो आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा, जिसका प्रीव्यू अभी यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो इस थीम में जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा वो है इसका चार्जिंग एनिमेशन। तो जब भी आप अपने मोबाइल को यहाँ पे चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो काफ़ी कूल है। तो अगर आप भी इस थीम को ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक बज यूट्यूब चैनल। इस थीम का जो लिंक है आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि मेरे लिंक से कैसे डाउनलोड करना है तो वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थीम को अप्लाई करने के लिए आप सभी को थीम स्टोर के डाटा को यहाँ पे क्लियर करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरह आपको थीम के स्टोर के क्लियर डाटा कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को बैक चले जाना है। और बैक जाने के बाद यहाँ पे आप सभी को अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर को ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको फ़ोन स्टोरेज को ओपन करना है। और उसके बाद ऑल फाइल्स पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर को ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको वो फाइल देखने को मिल जाएगा, थीम फाइल जिसे आपने डाउनलोड किया था। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे अनजिप करना पड़ेगा। अनजिप करने के लिए यहाँ पे आपको एक पासवर्ड को एंटर करना है। तो पासवर्ड है Android 10Q। तो यहाँ पे Android 10Q आपको कैपिटल में लिखना है, तभी जो है ये अनजिप होगा। तो अच्छे से आपको आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डिकम्प्रेस पे क्लिक करना है और फिर से स्टार्ट डिकम्प्रेस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। तो यह यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेता है। तो फाइल अनजिप हो जाने के बाद ऊपर की तरफ देखेंगे एक नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो इस फोल्डर को आप सभी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे थीम देखने को मिल जाएगा। तो इस थीम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ट्राई मी का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो थीम है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो थीम यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो थीम अप्लाई हो जाने के बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल के एक बार रिबूट करना है, तभी जो आपका थीम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम देख सकते हैं, वो है 5 मिनट ट्रायल। तो यहाँ पे आपको 5 मिनट ट्रायल को कैसे हटाना है बताता हूँ। तो जब भी आपको जो है बाय नाउ को कोई ऑप्शन आए तो यहाँ पे आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको होम बटन पर प्रेस करने के बाद आपको थीम स्टोर के डाटा को यहाँ पर क्लियर कर देना है। बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, नाइस सुपर कुछ भी, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।